नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, भारत में संक्रमितों की संख्या 89 लाख के पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 89,12,907 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,617 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 474 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। आपको बता दें, अब तक कुल 83,35,109 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। कुल मिलाकर 1,30,993 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 4.5 लाख से नीचे है। इस समय देश में 4,46,805 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो ये मामूली बढ़ोतरी के बाद 93.51% पर पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 4.12% है, वहीं डेथ रेट 1.46% है। नवंबर को 9,37,279 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। अभी तक कुल 12,74,80,186 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 6,396 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 99 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 49,031 टेस्ट किए गए हैं। इस दौरान 4,421 रिकवरी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में अभी कुल कोरोना केस की संख्या 4,95,598 है, जिसमें 42,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो राज्य में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 3,654 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,38,217 हो गई है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 52 और मरीजों की मौत होने से प्रदेश में मरने वालों की संख्या 7,766 हो गई है। इस बीच 4,388 लोग कोरोना से मुक्त हुए हैं, जिसके साथ ही राज्य में संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर 92.04% हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,840 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में मंगलवार को संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 17,52,509 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारियों के मुताबिक महाराष्ट्र में संक्रमण से 68 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 46,102 हो गई है। तमिलनाडु में मंगलवार को कोरोना वायरस के 1,652 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, 18 और संक्रमितों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक राज्य में संक्रमण के कुल मामले 7,61,568 पर पहुंच गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 11,513 हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के अंदर 1,721 की हुई है। अब तक राज्य महामारी की चपेट में आ चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,395 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर मंगलवार को 8,56,159 हो गई है। राज्य सरकार की तरफ से जारी ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9 और लोगों की संक्रमण से मौत हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,890 पर पहुंच गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।